मैं सबसे पहले दुख की बात ये बता रहा हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश थी बाहर ग्राउंड में प्रोग्राम करने की, लेकिन आजकल इंटरनेट ने ऐसा इंसान को परेशान भी कर दिया है कि आज के दिन बारिश दिखाई नहीं थी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहने, उनको गर्मी लगेगी, बारिश होगी तो बारिश का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस चीज का एक दुख रह गया। लेकिन अब हमने जहां पर रामनगर में सामाजिक तौर पर लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, तो रब का आशीर्वाद रहा, चौधरी साहब का आशीर्वाद रहा, तो हम इस ग्राउंड में क्या, हम बड़े चुगान में प्रोग्राम करेंगे, 100 कनाल की जमीन में प्रोग्राम करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूं। ये प्रोग्राम इस मकसद से किया जा रहा है कि हम ऐसे लोगों को आज सलूट करना चाहते हैं जिसमें स्वर्गीय रामदास जी भी हैं, कि जिन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया होता है। जैसा मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कमेटी जो हमने बनाई है, जो हमारे परिवार की कमेटी है, जिसके चेयरमैन जो है हमारे बड़े मामा जी हैं और स्वर्गीय रामदास जी के बड़े लड़के हैं तिलकराज जी, और यहां पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, और सभी हमारा परिवार, चाहे हमारे मामू जी हैं, चाचू जी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, सारे हमने सभी ने मिलकर जुलकर ये प्रोग्राम करने का निर्णय लिया था। अब मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं, उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे कि स्वर्गीय रामदास जी रामनगर की धरती पर 1925 को आज के दिन 92 साल पहले जन्म लिया था। 10th पास की उन जमानों में और आर्मी में देश की सेवा की। आर्मी से रिटायर आने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों के लिए सेवा की। उसी दौरान मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था, 1972 की बात है, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है प्रजा परिषद की तरफ से, सॉरी जन संघ की तरफ से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया था, लेकिन वो उन्होंने हार मिली थी, लेकिन वो फिर भी पब्लिक सेवा में डटे ही रहे। और एक दिन आप सभी लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने उनको 1983 में विधायक बनाया और 5 साल तक वो विधायक रहे। उसके बाद विधायक 1987 तक रहे, उसके बाद उनकी 88 में डेथ हो गई थी। तो ये मकसद था क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों की पेंशनें लगाई हुई हैं जो 150-150 किलोमीटर तक नहीं चल सकते थे, लेकिन उनके घरों में जाकर उनसे प्रार्थना पत्र लेकर उनके घरों में ऑर्डर पहुंचाते थे। कोई कैंडिडेट उसके घर में जाकर नौकरी पहुंचाई थी, और हमारे फौजी भाइयों के लिए इतनी ज्यादा सेवा की है, इसका तो ये फौजी भाई भी अच्छी तरह से हमारे जानते हैं। सर, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जनाब दीप प्रज्वलित करके, दीप जलाकर श्रद्धांजलि देंगे स्वर्गीय रामदास जी को। उसके बाद इस श्रद्धांजलि में रोमानु राम जी अपने वचन प्रस्तुत करेंगे।